नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल धनराज स्टडी सर्कल। दोस्तों, जैसे कि मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट देखा था, आरजीपीबी के स्टूडेंट चाहते थे कि मैं आरजीपीबी की ओपन बुक एग्जाम के बारे में वीडियो बनाऊं। तो इसी क्रम में सबसे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज के नोटिफिकेशन से, जो कि आरजीपीबी की तरफ से है 11 सितंबर 2020। क्या नोटिफिकेशन है? राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों की सैद्धांतिक परीक्षाएं दिनांक 15 सितंबर 2020 से ऑफलाइन आयोजित किए जाने बाबत। इसके बारे में, ऑफलाइन होंगे आपके एग्जाम ओपन बुक के थ्रू, ये सभी को पता है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं दिनांक 15 सितंबर 2020 से आयोजित की जा रही है। इन परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों यानी छात्रों तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कई जैसे कि सभी यूनिवर्सिटी ने दिशा निर्देश जारी किए थे कैसे एग्जाम होंगे, लेकिन हर यूनिवर्सिटी का अपना पैटर्न है। वैसे ही आरजीपीपी जो है वो ऑनलाइन एग्जाम नहीं ले रही है, ऑफलाइन ही ले रही है, लेकिन आपसे कॉपी ऑफलाइन ना सबमिट करके ऑनलाइन को प्रायोरिटी दे रही है। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको ऑफलाइन का ऑप्शन दे रही है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहला, विश्वविद्यालय द्वारा क्रमशः दो पाली यानी दो शिफ्ट में एग्जाम आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रथम पाली 10 बजे से लेकर 1 बजे तक ही रहेगी और दूसरी पाली होगी 2 से लेकर 5 तक आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा की समय अवधि 3 घंटे निर्धारित की गई है। दूसरी यूनिवर्सिटियों ने क्या दिया है, टाइम बहुत दिया है, लेकिन आरजीपीवी ने सिर्फ आपको 3 ही घंटे दिए हैं। छात्रों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट जो कि www.rgpb.ac.in है पर उपलब्ध समय सारणी में दिए गए दिनांक एवं समय अनुसार निर्धारित पाली में परीक्षा में सम्मिलित होना है। ठीक है, जो भी टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेपर डाउनलोड होगा, आप उसे लिखेंगे और उसी में आप सम्मिलित होंगे जिसका जिस दिन टाइम टेबल है। यानी ऐसा नहीं बरकतुल्ला की तरह कि आपने सारे पेपर एक दिन डाउनलोड कर लिए, फिर बैठ के लिख लिए और फिर आपने एक दिन जमा कर दिया, ऐसा नहीं है। विश्वविद्यालय द्वारा www.rgpb.ac.in पोर्टल के माध्यम से छात्रों के लॉग इन परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व प्रश्न पत्र अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे ही आपका जो लॉगिन आईडी है उससे आप लॉगिन करेंगे पोर्टल पर, 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, जिसे खोलने हेतु लॉगिन पर लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। लॉगिन पर आपको क्या कराया जाएगा, एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रथम प्रश्न को शामिल करते हुए कुल 20 प्रश्न। देखो गाइस, जैसे कि दूसरी यूनिवर्सिटी ने 16 बोला है, आप कंफ्यूज ना हो जाना, यहाँ पर 20 पेज रखने हैं आपको। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रथम प्रश्न को शामिल करते हुए कुल 20 प्रश्न अप्रोक्स में ही छात्रों को अपने प्रश्न के संक्षिप्त तथा तार्किक उत्तर लिखना अनिवार्य होगा। तदुपरांत छात्र द्वारा निर्धारित प्रथम प्रश्न के साथ साथ अपने लिखित प्रश्नों को छात्रों द्वारा लॉगिन आरजीपीवी exam.in में अपलोड किया जाना अनिवार्य है। यानी कि आप उन्हें स्कैन करोगे और स्कैन करके, यानी जो 20 पेज है ये मैक्सिमम है, आप इससे कम में भी लिख सकते हो, इनको आप स्कैन करोगे और अपलोड करोगे। और तार्किक उत्तर का मतलब है भैया जो चीज है वही लिखें, फालतू की फैकोलॉजी नहीं चलेगी। फोर्थ पॉइंट है, यदि छात्र किसी कारणवश, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, अपलोड नहीं कर पाता है, मान के चलो आपने भाई आपको दिक्कत आ रही है अपलोड करने में, तो यह सुविधा होगी कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर प्रथम पाली के छात्र, यानी कि जो आपकी प्रथम पाली कब से है, 10 से लेकर 1 बजे तक है, 10 to 1 PM। पहली पाली यही आप देख सकते हैं, प्रथम पाली का टाइम क्या है, सुबह 10 से लेकर 1, 3 घंटे वाले जो है ये बच्चे जो है कब तक पहुंच सकते हैं कलेक्शन सेंटर पे, 5 बजे तक पहुंच जाएंगे। द्वितीय पाली के छात्र 8 बजे तक, द्वितीय पाली कब तक है आप देख सकते हैं, द्वितीय पाली 2 बजे से लेकर 5 बजे तक है। ये फर्स्ट शिफ्ट है और सेकंड शिफ्ट क्या है, 2 से लेकर 5। अब यहां तक तो आप एग्जाम दोगे तो आपको टाइम दे दिया है 8 बजे तक। आप 8 बजे तक कहां जा सकते हो बोलो, कलेक्शन सेंटर जा सकते हो। कलेक्शन सेंटर की लिस्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दे रखी है। बजे तक छात्र लॉगिन पर उपलब्ध विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पावती को भरकर अपने समीप परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय के अंदर अपनी उत्तर पुस्तिका जमा करेंगे। अब जैसे आप कलेक्शन सेंटर पर जाएंगे तो वहां पर मिलोगी आपको एक रिसीविंग या पावती, जिसको वर्ड यूज कर रहे हैं, ये आपकी वेबसाइट पर दी गई है rgpb.ac.nic.in पर। यहां से आप डाउनलोड करेंगे, इसको लेकर जाएंगे और ये कलेक्शन सेंटर वाले आपको एक एज अ रिसीविंग आपको वापस करेंगे। विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समस्त परीक्षा केंद्रों पर कम से कम 2 शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी, आपके काम करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एटलीस्ट हर कलेक्शन सेंटर पे 2 बंदे रहेंगे। दोनों पालियों में लगाया जाना अनिवार्य होगा। उनकी प्रथम पाली 5 से लेकर 5 बजे तक है तथा द्वितीय पाली कितने बजे तक है, 8 बजे तक निर्धारित की गई है। इस अवधि में उपस्थित छात्रों को उत्तर पुस्तिका एकत्रित कर छात्र को पावती जाना अनिवार्य होगा।
उक्त कार्य में संलग्न शिक्षकों को पर्यवेक्षक हेतु निर्धारित मानदंड प्रदान किया जाएगा, भी उनको सैलरी या उनको स्टाइपेंड या आप ये कह लो उनको वेजेस सैलरी जो भी कह लो आपको मिलेगी। तो ये तो हो गई कहानी, किया तो ऑनलाइन अपलोड करेंगे, नहीं कर पाए तो कलेक्शन सेंटर जाएंगे। पहली पाली के लोग 5 बजे तक पहुंच जाना और दूसरी पाली के लोग 8 बजे तक पहुंच जाना। आगे की जानकारी, ऐसे सभी छात्र जो किसी कारणवश आरजीपीवी एग्जाम में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं, ठीक है, वह छात्र अपने उत्तर पुस्तिका वेबसाइट www.rgpb.ac.nic पर .in पर उपलब्ध कलेक्शन सेंटर की सूची में अपने निकट कलेक्शन सेंटर पर निर्धारित समय अवधि में जमा करेंगे। जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है ऑनलाइन अपलोड करने के लिए, तो फिर वो क्या करेंगे, ऑफलाइन जमा कर सकते हैं जो भी नियरेस्ट कलेक्शन सेंटर होगा। अब स्क्रीन कैसे करना है, इसको किस तरीके से इसकी पीडीएफ बनानी है, किस तरीके से जेपीजी बनाना है, ये सारी जानकारी पिछले नोटिफिकेशन में दी गई है, आपने पढ़ लिया होंगे, वो नोटिफिकेशन पुराने हो चुके हैं। अभी फिलहाल में मैं ये आज की नोटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूं। उपरोक्त तिथि, उपरोक्त के अतिरिक्त विश्वविद्यालय द्वारा ऑफलाइन परीक्षाओं के आयोजन हेतु पूर्व में जारी एसओपी जो कि जारी की गई थी, तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश शासन के कोविड-19 संदर्भ में समय समय पर जारी समस्त निर्देशों का अक्षरशा पालन करना अनिवार्य होगा। यानी जो पहले से जो यूनिवर्सिटी ने जो गाइडलाइन दी है उनका सभी का पालन आपको करना है, आदेश अनुसार या परीक्षा नियंत्रण राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भोपाल। ये आज का नोटिफिकेशन था। तो गाइस आई होप कि आप चीजें समझ गए होंगे। आप बी केयरफुल, आपका पेपर अपलोड होगा 15 मिनट पहले, आप उसे डाउनलोड करेंगे, आप उसे सॉल्व करेंगे, स्कैन करेंगे, अपलोड करेंगे, नहीं कर पाते हैं तो पहली पाली के लोग 5 बजे तक, दूसरी पाली के लोग 8 बजे तक जाके ऑफलाइन सेंटर पर जमा करेंगे। कलेक्शन सेंटर पर आप क्या करना है, आपको पावती रिसीव होगी, वहां से वो लेकर घर आ जाना है, आपका एग्जाम हो गया। रोज ऐसा ही करते रहना जब तक कि आपके एग्जाम चलेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल। तो आरजीपीवी वालों सावधान, ये मत पूछना सारे पेपर एक साथ आएंगे, एक साथ लिखेंगे, आपका पेपर अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल होगा, जैसा कि जानकारी यहां पर दी गई है। आई होप कि आपको मेरा ये नोटिफिकेशन डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें फॉर लेटेस्ट अपडेट। आगे से आने वाली हर जानकारी मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको प्रदान करता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।